हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। में मैं सबसे पहले अपना पहला काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और उसके बाद मैं पक्षियों को अन्न और जल देने के लिए जा रहा हूँ लैंडर के ऊपर। और साथ के साथ मौसम भी आप लोग देख सकते हो, एकदम मौसम साफ सुथरा है आज और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। पक्षियों के लिए अन्न और जल मैंने रख दिया है। अब धर्म है सूर्य देवता को नमस्कार करने की और यहाँ पर सूर्य देवता को मैं अर्घ भी दूंगा। और आप लोगों की बहुत अच्छी सुजेशन भी आती है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की, तो आपकी जितनी भी सुजेशन हमें मिलती है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। और प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट किया, तो मैं चाहूँगा आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही आगे भी हमारे साथ बना रहे। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के साथ हर एक मोमेंट को शेयर करते हैं जो भी हमारी डेली लाइफ का होता है। हिमाचली कल्चर को आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ आगे भी यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर मैं गया हूँ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, और प्राचीन काल की भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही सुंदर टेंपल है और वन ऑफ द बेस्ट टेंपल है हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इसको काफ़ी अच्छे से ब्रीफली। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो बनता ही है। सरकाघाट में आया था मैं अपनी भैंस के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, और जो भी ओपरा सोपरा होता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे पता किया। अभी यहाँ पे माता नुवाई देवी जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है ये हमारे सरकाघाट में, तो इसकी एक झलक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे माथा भी टेक देता हूँ माता जी के मंदिर में, हमारी भैंस जल्द से जल्द ठीक हो जाए यही मैं मांग रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवा देता हूँ माता रानी के। तो अंदर से टेंपल कुछ इस तरह का है और यहाँ पे माता रानी की आरती वगैरह लिखी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये है माँ नुवाई देवी जी। तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए माता रानी के। जय हो माता नुवाई देवी जी। तो मन की सारी इच्छाओं को पूरी करो, मेरी भी, मेरे सभी सब्सक्राइबर की भी। तो हमारे सरकाघाट में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये टेंपल, दूर दूर से सैनानी यहाँ पर आते हैं और माता रानी से अपनी मन की मुरादें मांगते हैं और माता रानी भी पूरी करती है। एक चक्कर लगा देता हूँ मैं भी मंदिर का, साथ के साथ इस साइड को देखिए भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। जय भोलेनाथ जी। और मंदिर के चारों तरफ कुछ इस तरह से मूर्तियां रखी गई हैं माता रानी की और भी जो देवी देवता हैं उन सभी की। और ये वाला पेड़ है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो अभी भी देखिए इसके पत्ते हरे भरे हैं, सालों साल ये इसी तरह हरा भरा रहता है, गर्मियों में भी कोई असर नहीं पड़ता इस पर। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की देखिए डोरी भी बंधवा दी है यहाँ पर, और आशीर्वाद लिया है इनसे जो भी पुजारी हैं यहाँ पर कि माता रानी मन की मुरादें पूरी करें। और लास्ट में आप लोग भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी की जोत 24 घंटे यूँ ही चलती रहती है इस मंदिर में, और नवरात्रों का जब टाइम आता है तो ये टमंक गुनगुनाते हैं, चारों दिशाओं में माता रानी की गूंज गूंज उठती है। तो माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे, तो दर्शन कर लीजिए आप भी हमारे ब्लॉग के थ्रू माँ नुवाई देवी जी के। पुराने टाइम की कलाकृति आप देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है ये कौरवों और पांडवों के टाइम जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम के पत्थर हैं, और माता रानी के दरबार के बाहर हैं ये मेन गेट के सामने।
ये है वो प्राचीन पेड़ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो काफ़ी बड़ा है और देखिए इसकी ये जो पेड़ की शाखाएं हैं और इसकी चटाएं हैं किस तरह से लंबी लंबी हैं, और अभी तक देखिए हरा भरा है ये पेड़। तो यही माता रानी की मेहरबानी है। तो माँ के दरबार में जो भी आता है माता रानी उनकी सभी की मुरादें पूरी करती है। और मंदिर की एक ओवरलुक आप लोगों को दिखा दूँ तो मंदिर की शेप कुछ इस तरह से बनाई हुई है और बहुत ही प्यारा दिखता है ये मंदिर। माता रानी जी का दरबार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पुराने समय के यहाँ पर ये मंदिर हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस वजह से भी ये टेंपल बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं देखिए मंदिर की। तो ये पुराने टाइम की जैसे थी वैसे की वैसी ही अभी तक ये देख सकते हैं आप। और मंदिर के अंदर ये देख सकते हैं आप शिवलिंग। तो ये जैसे प्राचीन काल में था वैसे का वैसा अभी तक है। और काफ़ी मेंटेनेंस वगैरह भी करते रहते हैं बीच बीच में ताकि कुछ भी हानि ना हो इन मंदिरों को जो ये पुराने टाइम के हैं और उसी शेप में रहें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि किस तरह का हुआ करता था प्राचीन काल और उनको भी जानकारी रहे, वो भी अप टू डेट रहे इन चीज़ों से। और बेहद ज़रूरी भी होता है कि पर्सन को अपने पुराने समय की चीज़ें इस तरह से देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ती है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किस तरह से यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे माता रानी को इस तरह से चढ़ाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं घर में। आप लोगों को बताया भैंस भी बीमार है तो घर में भी जल्दी जल्दी पहुँचना बेहद ज़रूरी है। अभी दवाइयाँ वगैरह लेकर आया हूँ मैं तो वो देते हैं। सरकाघाट से आने के बाद जैसे ही मैं घर में पहुँचा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भैंस के लिए मम्मी कर रही है कड़ी मशक्क़त, हर एक चीज़ ट्राई कर रही है मम्मी जिससे हमारी भैंस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और खूब सारी सेवा हो रही है यहाँ पर भैंस की, लेकिन अभी तक भैंस कुछ भी नहीं खा रही है। हमारी भैंस को हर एक चीज़ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे हम हरे हरे पत्ते भी लेकर आए हुए थे, ताज़ा ताज़ा छोटे छोटे पत्ते, लेकिन भैंस कुछ भी नहीं खा रही है। बाकी हमारी YouTube फैमिली की काफ़ी ज़्यादा सुजेशन आ रही थी हमें कि आप भैंस के लिए ये खिलाएं वो खिलाएं। देखिए हम हर एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे हमारी भैंस ठीक हो जाए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ओपरा शोपरा आप इनमें बिलीव करते हैं या नहीं, तो देखिए हम बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जब बीतती है तो वो क्या करें, हम हर एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज भी और दूसरा भी। खा। अब तो भगवान के ही ऊपर भरोसा है और भगवान के ही किसी चमत्कार का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अपना पूरा जोर लगा दिया है हमने लेकिन हमारी भैंस ठीक ही नहीं हो रही है। इसी के साथ आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करने जा रहा हूं। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सॉल्यूशन हो किसी के भी पास किसी भी प्रकार का भैंस
आपको घास खिलाने से रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट को काफ़ी केयरफुली पढ़ते हैं। और अभी भाग दौड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी फील करता हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं और बहुत ही जल्द आप लोग सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे और आप सभी को रिप्लाई भी करेंगे। तो ब्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं यहीं पे, जल्द ही मिलेंगे आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।